हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सोशल लाइफ। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बूमिंग सेक्टर के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं हमारी पावर इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों, किसी भी कंट्री को चलने के लिए या चलाने के लिए दो चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। पहली है ऑयल की और दूसरी है पावर सेक्टर की। लेकिन ऐसा एस्टिमेशन है दोस्तों कि जितना पेट्रोल अभी हम यूज कर रहे हैं वो 2030 से लेकर 40 तक 50-70% रिड्यूस हो जाएगा। यानी कुछ सालों में पावर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा डोमिनेंट इंडस्ट्री होगी। ई बाइक्स, ई कार्स भी लॉन्च करके ऑयल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा सकती है। और दोस्तों, आज हम हमारी पावर इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे और उससे हमारी इकोनॉमी कैसे रिलेटेड है और उससे हमारे सोशल इश्यूज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो आइए दोस्तों, मैं हूं आहान, आप देख रहे हैं सोशल लाइफ। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 2012 में हमारी टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी 199 गीगावाट्स थी और वो 2018 मार्च तक 340 गीगावाट्स हो गई। हम दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमिंग कंट्री है। लेकिन दोस्तों, फिर भी हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारी पावर इंडस्ट्री में लगा रहे हैं और इसे तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसके तीन बड़े कारण है। इसका पहला बड़ा कारण यह है दोस्तों कि जितना हम पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारी डिमांड उससे कहीं ज्यादा है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम दूसरे कंट्रीज देखते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स की टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी 1000 गीगावाट्स, चाइना की टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी 1500 गीगावाट्स, जबकि हमारी सिर्फ 340 गीगावाट्स है। इसीलिए दोस्तों, हम पावर सेक्टर में तेजी से इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर दोस्तों हम हमारा पावर पर कैपिटा कंजम्पशन देखते हैं तो 2016 में 1200 किलोवाट्स आवर है। इसको तेजी से बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं और तेजी से पावर इंडस्ट्री को बढ़ाया जा रहा है। दूसरा रीजन ये है दोस्तों, गवर्नमेंट ने सौभाग्य स्कीम, एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत रूरल इंडिया में जिस जिसके पास भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है फ्री में उनको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया जाएगा। एक एस्टिमेशन के हिसाब से दोस्तों, इंडिया में 300 मिलियन यानी 30 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। यानी हिंदुस्तान की 24% आबादी के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी 2016 दिसंबर तक। और इन सभी लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है और टारगेट ये है कि 2019 मार्च तक 100% हाउसहोल्ड्स इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए। और इस स्कीम में तेजी से काम किया जा रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिए गए हैं। अगर हम इसका प्रोग्रेस देखते हैं तो 2018 जून तक 88% हाउसहोल्ड्स को इलेक्ट्रिफाई कर लिया गया है। दोस्तों, एक साल पहले ये नंबर 76 था, अभी 88 है। और सरकार का ऐसा मानना है कि 2019 अप्रैल तक 100% हाउसहोल्ड्स इलेक्ट्रिफाई हो जाएंगे। ये होते हैं तो इसे हम एक बड़ी जीत मान सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से जो ऑलरेडी पावर डिमांड है उस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और इसको कंट्रोल करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा पावर की जरूरत है। और तीसरा बड़ा रीजन है दोस्तों, हमारी इकोनॉमी। दोस्तों, हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, लेकिन हमारी जो ग्रोथ है वो अंडर 8 है। उसको हम 9% या 10% तक करना चाहते हैं। इसको करने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करना होगा और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बूस्ट करने के लिए हमें नए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बनाने होंगे, नए इंडस्ट्रियल सिटीज बनाने होंगे। ये सब बनाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पावर की जरूरत है। तो जितना ज्यादा हम पावर जनरेट कर सके उतना ज्यादा हमें करनी चाहिए और उसी पर काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारे पावर सेक्टर पे कितना काम हो रहा है और अभी हमें कितनी पावर जनरेशन की जरूरत है। दोस्तों, एनर्जी डिमांड्स को पूरे करने के लिए सरकार रिन्यूएबल एनर्जी को टारगेट बना रही है और रिन्यूएबल एनर्जी में पूरा फोकस सोलर एनर्जी पे किया जा रहा है। 2014 में इंडिया की सोलर एनर्जी की कैपेसिटी 2.6 गीगावाट थी और 2022 तक टारगेट ये था कि 20 गीगावाट तक सोलर एनर्जी जनरेट की जाए। लेकिन सोलर एनर्जी पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिए गए और तेजी से सोलर एनर्जी पे काम किया गया और 2022 का टारगेट 2018 में ही अचीव कर लिया। 2018 में इंडिया की सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी 22 गीगावाट्स है और अब अगला टारगेट ये है कि 2022 तक इंडिया के टोटल सोलर जनरेशन कैपेसिटी 100 गीगावाट्स हो जाए। इसी के साथ साथ विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी पे भी तेजी से काम किया जा रहा है। जो न्यूक्लियर कैपेसिटी 6 गीगावाट की है उसको 17 गीगावाट तक करने का प्लान है। लास्ट 4 इयर्स में गवर्नमेंट ने 42 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए रिन्यूएबल्स एनर्जी में। और दोस्तों, सॉफ्टबैंक ग्रुप जापान की कंपनी है और ये कंपनी इंडिया में 60 से लेके 100 बिलियन डॉलर्स तक इन्वेस्ट करने वाली है सोलर सेक्टर में। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है और इससे बहुत ही बड़ा एफडीआई आ सकता है सोलर सेक्टर में। दोस्तों, 47,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट किए गए रिन्यूएबल एनर्जी से 4 लाख से ज्यादा नए जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हैं और रूरल इंडिया की इकोनॉमी पे एक बहुत ही अच्छा
इफेक्ट गिरेगा इन सोलर प्लांट्स से। और दोस्तों हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारे एनवायरनमेंट पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा हम जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं और रूरल इंडिया की इकोनॉमी को भी हम तेजी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसी कारण दोस्तों इंडिया में बड़े बड़े वर्ल्ड के लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं, चाहे वो कर्नाटका में बनाया जा रहा हो 2 गीगावाट्स का सोलर पावर प्लांट या फिर राजस्थान में बनाया जा रहा है 2.2 गीगावाट्स का सोलर पावर प्लांट। इसके अलावा दोस्तों अब तक का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट बनाने की तैयारी की जा रही है धोलेरा में। दोस्तों धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक नई इंडस्ट्रियल सिटी बनाई जा रही है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते या और जानना चाहते हो तो हमने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया है, आप यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हो। और दोस्तों इंडिया की टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट 2022 तक 175 गीगावाट है और सरकार का दावा है कि वो 225 गीगावाट तक पहुंचेगी। अगर दोस्तों हम 2022 तक हमारा टारगेट अचीव कर लेते हैं तब इंडिया की टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी 500 से लेकर 600 गीगावाट तक होगी और जो हमारा टोटल पावर पर कैपिटा कंजम्पशन 2016 में था 1100 किलोवाट पावर, वो 2022 में 2200 से लेकर 2400 किलोवाट पावर तक पहुंच जाएगा। अगर दोस्तों हमारा पावर पर कैपिटा कंजम्पशन 3000 किलोवाट आवर से ऊपर चलेगा तब इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी स्टेबल होगी। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें बता दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।